तीन जादुई चिड़िया। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में एक रामू नाम का किसान अपने तीन बेटे रमेश, राजेश और कमलेश के साथ रहता था। किसान बहुत गरीब था, इसलिए वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपने तीनों बेटों का पालन पोषण करता था। इसीलिए उसके तीनों बेटों की पढ़ाई पूरी ना हो सकी और देखते ही देखते तीनों बड़े हो गए और वह भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करने लगे। रमेश और राजेश आलसी और घमंडी थे, जो रामू के साथ खेत में काम करने तो जाते थे, लेकिन वह पूरे दिन इधर उधर करके समय बिताते थे, पर कोई काम ढंग से नहीं करते थे। तो वहीं कमलेश दोनों भाइयों से छोटा था, पर बहुत मेहनती और समझदार था, जो अपने पिता की हर बात मानता था और उनकी मदद करता था। कमलेश पढ़ने में बहुत होशियार था, इसीलिए उसके पिता रमेश और राजेश से बोलते हैं, राजेश और रमेश इधर आओ। अब क्या हुआ पापा, हमें क्यों बुला रहे हो? कहाँ जा रहे हो दोनों, पहले ये बताओ। कहीं नहीं, वो बस खेत पर जा रहे थे काम करने। अच्छा, काम करने जा रहे थे, क्या काम है अभी खेत में जरा बताना। वो कभी खेत में ढंग से काम किया है जो पता होगा? पूरे दिन तो तुम दोनों काम करने के नाम पर आवारागर्दी करते घूमते हो और बोल रहे हो काम करने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों भी कहां जा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, हम खेत पर ही जा रहे थे। झूठ मत बोलो, तुम दोनों अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने जा रहे थे। इतने बड़े हो गए हो, कब सुधरोगे? तुम दोनों अपने छोटे भाई कमलेश से कुछ सीखो, वो तुम दोनों से कितना छोटा है लेकिन फिर भी अपने दम पर अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ करता है और साथ में मेरे साथ खेत में हाथ भी बटाता है। तुमने ना तो पढ़ाई की और ना ही तुम अभी तक मेरे साथ खेत में काम करने आए, जिससे कुछ सीख लेते। क्या करोगे, कुछ सोचा है तुम दोनों ने? आप तो बस उसकी तारीफ करना जानते हैं, हम जो करते हैं वो आपको कभी नहीं दिखता। हमसे जितना होता है हम उतना खेत में काम करते हैं, और कभी अगर थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के पास चले जाएं तो आप उसके लिए हमें ताना मारते रहते हो। मुझे ये सब नहीं करना है, हमें बिजनेस करना है। अच्छा, कौन सा बिजनेस करना है तुम दोनों को, जरा बताना। वो हम अभी सोच रहे हैं, लेकिन आपके इन फालतू काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अपने बेटे कमलेश को ही बुला लो, बहुत मेहनती बनता फिरता है ना, वो ही कर देगा। ऐसा कहकर रमेश और राजेश गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और रामू अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। हे भगवान, क्या होगा इन दोनों का, मुझे तो इन दोनों की बहुत चिंता होती है। अब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं मर गया तो क्या करेंगे ये दोनों और कैसे जिएंगे? मेरा एक बेटा तो कामयाब निकल गया, पर ये दोनों नालायक कैसे निकल गए? मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई थी, ये दोनों ऐसे निकम्मे बन गए बस, पूरे दिन आवारागर्दी करते रहते हैं और तीन टाइम खाना खाते हैं। ना इन्हें घर के काम में हाथ बटाना है और ना ही खेतों में काम करेंगे, तो ये क्या करेंगे? इतने में उधर से कमलेश आता है और अपने पिता से बोलता है, क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, तेरे दो बड़े भाई को लेकर मुझे बस चिंता होती रहती है कि अगर मैं मर गया तो मेरे बाद इनका क्या होगा। ये दोनों इतने निकम्मे हैं, पूरे गांव में बदनाम हो रखे हैं, इनकी शादी भी नहीं होगी। अरे पिताजी, आप भी ना क्या क्या सोचते रहते हैं, मैं हूं ना, मैं सब करा रहा हूं ना, सब सही होगा, आप फिकर मत कीजिए। बेटा ऐसे थोड़ी चलेगा, ये दोनों तुझसे भी बड़े हैं और तू कब तक इनकी सेवा करेगा? तेरा भी तो आगे चलकर परिवार होगा ना, तू अभी ये सब नहीं समझेगा, छोड़। अच्छा ठीक है पिताजी, अब ये सब मत सोचो, अभी चलो, आपको और मुझे खेत पर भी जाना है और मुझे अपनी पढ़ाई करनी होगी और घर का काम भी, ऐसे तो समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, इनको जब खुद ठोकर लगेगी ना तब समझ जाएंगे। ऐसा कहकर रामू अपने बेटे रमेश के साथ खेत में काम करने चला जाता है। रामू को हमेशा से चिड़िया से बहुत लगाव था, इसीलिए उसके बगीचे में बहुत सारी चिड़िया रहती थी और रामू उनको दाना पानी देता था और उनकी खूब देखभाल करता था।
लेकिन उनमें से तीन चिड़ियां उसकी सबसे प्रिय थी, जिनके साथ वो समय बिताता था और उनसे रोज बात करता था। यह बात उसके तीनों बेटों में से किसी को नहीं पता थी। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन रामू की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, जिसे देखकर कमलेश घबरा जाता है और अपने दोनों बड़े भाइयों को बुलाता है। राजेश और रमेश अपने पिता से कितना भी झगड़ा करते हों, पर वो अपने पिता रामू से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो अपने पिता की बिगड़ी हालत को देख बोलते हैं, क्या हुआ पिताजी, आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? पता नहीं भाई, सुबह तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। तुम दोनों फिकर मत करो और बाबा के पास रहना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर रमेश डॉक्टर को बुलाकर ले आता है और डॉक्टर आते हैं, रामू की जांच शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, बेटा मैं जो दवाई दे रहा हूँ अभी, वो दवाई तुम जाकर शहर से खरीद लेना, और फिर भी ठीक नहीं होते तो इन्हें शहर के अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। कमलेश दवाई की पर्ची पढ़ते हुए बोलता है, भाई ये सारी दवाई तो काफी महंगी है, हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, अब क्या करेंगे हम? हाँ कहाँ से होगा, सारा पैसा तो तेरी पढ़ाई में चला जाता था, अगर तू नहीं पढ़ता ना तो आज हमारे पास पैसे होते और हमारे बाबा की तबीयत भी ठीक होती। सही बोल रहा है तू, इसने पढ़कर क्या कर लिया, सारा पैसा बर्बाद कर दिया, अब हम बाबा का इलाज कहाँ से करवाएंगे बता। अरे तुम दोनों उसे बोलना बंद करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हमारे बगीचे में बहुत सुंदर सा फूल का पेड़ है, जिस पर तीन चिड़िया रहती हैं, और वो तीनों चिड़िया जादुई हैं, जिसमें से एक चिड़िया सोना देती है, दूसरा हीरा और तीसरा पैसा देती है। वो तीनों शाम के 6 बजे उस पेड़ पर आ जाती हैं, और वो तीनों चिड़िया देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, लेकिन उनके सामने ये मंत्र बोलोगे तो हो सके अपने असली रूप में आ जाएंगी और तुम्हें सोना हीरा और पैसा देंगी। अरे वाह, फिर तो आपका इलाज हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चिड़िया 6 महीने में सिर्फ एक बार हीरा सोना और पैसा देती हैं, और अभी समय है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे मरने के बाद तुम तीनों भाई मिलजुल कर आराम से रह सको और तुम्हें कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, अगर तुम तीनों में से किसी ने सोने हीरे और पैसे में से किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल किया तो वो चिड़िया हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी, तो इस बात पर ध्यान रखना। और इन चिड़िया से मुझे मिले हुए अभी 5 महीने हुए हैं, तो अभी 1 महीने का वक्त है इन्हें सोने के अंडे हीरे और पैसे देने में। ऐसा बोलकर रामू की मृत्यु हो जाती है, तीनों भाई रोने लगते हैं। फिर 1 महीने बाद तीनों भाई वो उस बगीचे में 6 बजे जाते हैं और वह तीनों चिड़िया वहाँ बैठी होती हैं। फिर तीनों भाई उसी मंत्र को उस चिड़िया के सामने बोलते हैं तो तीनों चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती हैं। हीरा देने वाली हीरे की रंग की हो जाती है और रमेश को खूब सारा हीरा देती है। फिर सोना देने वाली सोने के रंग की हो जाती है और राजेश को ढेर सारा सोना देती है। फिर पैसे देने वाली पैसे के रूप में हो जाती है और कमलेश को ढेर सारे 2000 के नोट देती है, जिसे देखकर तीनों भाई खुश हो जाते हैं और तीनों अपना अपना धन लेकर जाते हैं। फिर राजेश और रमेश बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज से हम राजा की जिंदगी जिएंगे और हमें कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है तू, आज से हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। नहीं भाई ऐसा मत करो, बाबा ने बोला था ना कि अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो चिड़िया लुप्त हो जाएंगी। वैसे भी तुम बिजनेस करना चाहते थे ना, तो आराम से कर सकते हो, हीरा और सोना को बेचकर जो पैसे मिले उसे अपना व्यापार खोल लो। तू अपना ज्ञान अपने पास रख, हमें मत दे, समझा? बड़ा आया, जब इतने पैसे हैं तो क्यों करना व्यापार, और हम इतना काम नहीं कर सकते, तुझे जो करना है वो कर। हाँ बिल्कुल, और हमारे बीच आने की जरूरत नहीं है, समझा? ठीक है भाई,
जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाबा ने मना किया था, ध्यान रखना। ऐसा कहकर राजेश और रमेश वहाँ से चले जाते हैं और अपने हीरे और सोना को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे बड़ा घर और गाड़ी खरीद लेते हैं और ऐश आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। इसके अलावा वह गांव के गरीब लोगों को पैसा देकर उनसे दुगना पैसा लूटते हैं और उन पर अत्याचार करने लगते हैं। तो वहीं कमलेश मिले पैसों से खुद का छोटा सा व्यापार खोलता है और खूब मेहनत करता है, जिससे देखते देखते उसके पास भी बड़ा घर गाड़ी सब हो जाता है और वो गरीबों की मदद करने लगता है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद जब तीनों फिर से उस बगीचे में पहुंचते हैं तो तीनों चिड़िया आती हैं, जिसमें से रमेश की हीरे देने वाली और राजेश की सोने देने वाली चिड़िया उन्हें हीरा और सोना नहीं देती, लेकिन कमलेश की पैसे देने वाली चिड़िया उसे दोबारा ढेर सारे पैसे देती है, जिससे खुश होकर वो अपने घर चला जाता है और रमेश और राजेश की चिड़िया लुप्त हो जाती है। ये देख कर उन दोनों को अपने पिता की बात याद आ जाती है और दोनों खुद पर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने अपने छोटे भाई की बात नहीं मानी और आज उनके पास भी ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए वह जादुई चिड़िया नहीं बची। इसलिए वह अपने छोटे भाई से माफी मांगते हैं और उसके साथ मिलकर काम करने लगते हैं। अब तीनों भाई एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं।